गुड इवनिंग सौम्या, गुड इवनिंग रौनक। भाई कैसी प्रिपरेशन चल रही है तुम्हारी? सुबह अपनी क्लास हो नहीं पाई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे ज्योग्राफी वाली, तो अभी तो देखो अपने टेक्निकल इश्यूज सॉर्ट आउट कर लिया है, पर हो सकता है इशू आए, लेकिन आएगा नहीं, मतलब कोशिश तो यही रहेगी कि ना आए। तुम्हारे जो ये सेशन है, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? भाई जल्दी जल्दी से सब आ जाओ, अपना 50 क्वेश्चन होंगे अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू के, दिल्ली पुलिस वाले। मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग भाई शालू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग देव, आ रही है? ठीक है भाई, यही पूछा था, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है। चलते हैं भाई अपने पहले क्वेश्चन पे। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन ये रहा आज कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द 8 बिट यूनिट यूज फॉर कोडिंग डाटा। व्हाट इज द नेम गिवन टू 8 बिट यूनिट यूज फॉर कोडिंग डाटा, या सिंपल शब्दों में कहें कि व्हाट 8 बिट के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? जूम। ठीक है भाई, जूम कर देते हैं। अब ठीक है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू 8 बिट यूनिट यूज्ड फॉर कोडिंग डाटा। गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग। तो क्या कहेंगे भाई उसे हम क्या कहेंगे? बिल्कुल 8 बिट की बात करें, 8 बिट मिलके क्या बनाते हैं, हम कई बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? बाइट होगा। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। 4 बिट होता है अपना कितना? 1 निबल के इक्वल। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहे हो व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म रैम। ये कह रहा है रैम से आप क्या समझते हो कि भाई रैम होती क्या है? मेमोरी जो सिर्फ क्या करी जा सके, पढ़ी जा सके, या वो मेमोरी जो रीड भी की जा सके एंड उस पर लिखा भी जा सके, भले ही थोड़े समय के लिए लिखा जाए। थर्ड कह रहा है वो जो परमानेंट हो, और जो अपना फोर्थ कह रहा है मेमोरी जिसपे सिर्फ और सिर्फ लिखा जा सके। तो क्या आंसर होगा भाई? आंसर आया रौनक का, देव का, बी। बी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें रैम के, जिसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, तो ये क्या होती है भाई? इस पे हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। और इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म क्या होगी उसकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी जिसपे हम रैंडमली जा सके और आ सके, रीड एंड राइट। बिल्कुल भाई, कौन सी मेमोरी होती है अपनी? वॉलेटाइल होती है, क्योंकि जब तक हम इस पे वर्क कर रहे हैं हमें क्या, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रेगुलर बेस पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो क्या आंसर होगा? बिल्कुल भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोथ, बिल्कुल भाई बोथ करेगी। इन द मैग्नेटिक डिस्क डाटा इज ऑर्गेनाइज ऑन प्लेटर्स इन कॉन्सेंट्रिक सेट। ये कह रहा है कि जो अपनी डिस्क होती है, सीडी डिस्क होती है, उस पर डाटा रिंग्स के फॉर्म में लिखा जाता है, तो इन रिंग्स को क्या कहते हैं? सिर्फ रिंग्स की बात कर रहा है भाई, रिंग्स की थोड़ा देखना एक बार, रिंग्स की, रिंग्स, ओनली रिंग्स। शुभम त्यागी, सेक्टर, ट्रैक, बिल्कुल भाई इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं। और जो इसका एक पार्ट होगा, अगर हम पार्ट की बात करें, पार्ट्स में जब हम डिवाइड कर देते हैं रिंग्स को, व्हेन रिंग्स इन डिवाइडेड इन पार्ट्स, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सेक्टर। कोई बात नहीं भाई, आजकल तुम कुछ परेशान चल रहे हो, तुमने कई बार बताया है शुभम, तो होता क्या है, हो सकता है तुम आंसर गलत दे दो। तो होगा क्या इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और किस किसने सही दिया है जरा देखें, तुम्हारा आंसर ए, अच्छा बाद में सेक्टर ठीक किया है, ट्रैक, देव का, रौनक का, और किसका आंसर है? शुभम का। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स।
पर्सनल कंप्यूटर में तुम्हें पता है पर्सनल कंप्यूटर में क्या नंबर ऑफ चिप्स लगती हैं, वो एक सर्किट बोर्ड पे लगती हैं। एक बोर्ड होता है उसे क्या कहते हैं, डॉटर बोर्ड, मदर बोर्ड, फादर बोर्ड या ब्रेड बोर्ड, क्या बोर्ड कहेंगे? रौनक का आंसर रहा है मदर बोर्ड, बिल्कुल भाई। अगर हम बात करें हमारी जो चिप्स होती है, चिप्स की बात करें, प्रोसेसर की बात करें, रैम की बात करें, रोम की बात करें, तो ये सब कहाँ लगी होती है? ये सब मदर बोर्ड का पार्ट होती है। तो ये किस पे लगी होंगी चिप्स, किस पे लगेंगी? मदर बोर्ड। शालू MB भाई, इतना शॉर्टकट यूज कर रहे हो शालू जी। तो शुभम त्यागी का आंसर बी आया है, साक्षी का बी, बिल्कुल भाई। क्या कहेंगे इसे? मदर बोर्ड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच टर्म इज नॉट यूज टू डिस्क्राइब द मेमोरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ये कह रहा है इनमें से कौन सी मेमोरी के लिए हम नहीं यूज करते हैं? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या SAM? क्या होगा भाई इसका आंसर? रौनक, शुभम, देव, बिल्कुल भाई। क्या कहते हैं? सैम। सैम इज नथिंग, सैम कुछ नहीं है। तो हम मेमोरी की बात करें, तो जब भी हम मेमोरी डिफाइन की बात करें, तो हम क्या क्या यूज करेंगे? EEPROM यूज करेंगे, कौन सी? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात करेंगे, प्रॉम की बात करेंगे, रोम की बात करेंगे, रैम की बात करेंगे, लेकिन कभी भी सैम की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल भाई साक्षी, इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। ये कह रहा है ए फैक्टर विच इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस अ बिजनेस पर्सन। ये कह रहा है कि जो एक बिजनेस पर्सन है कि वो कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं, उसकी एक्यूरेसी के लिए, उसकी रिलायबिलिटी के लिए, उसकी स्पीड के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। हम कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं भाई? पहले क्या था? पहले हम बही खाता बनाते थे क्या? पहले बही खाता बनाते थे सर, अपना लेजर अकाउंट में भाई किसके पास कितना पैसा गया है, कहां से आया है। सेल की बात करें तो पर्चे फाड़ते थे, वो था ना, तो पर्चे फाड़ फाड़ के देते कि भाई ये तेरा गया, ये तेरा इतना सेल हो गई, इतना यहां से आया। लेकिन आजकल क्या है भाई? आजकल कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, इसमें एक्यूरेसी भी है, स्पीड भी है, रिलायबल भी है। हमें पहले किसी को कोई बिल भेजना होता था तो बाय पोस्ट सेंड करते थे, अब क्या एक ईमेल करो भाई ये रहा तेरा बिल, चाहे करोड़ों का हो चाहे एक रुपए का हो। तो क्या आंसर होगा? विनय त्यागी, ऑल ऑफ द अबव। शालू का डी है, साक्षी का ऑल, और किसका तुम्हारा? शुभम का डी है, रौनक और देव। ठीक है भाई, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है इनमें से मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज कौन सा होगा, विच इज द मोस्ट कॉमन यूज डिवाइस टूडे। मदरबोर्ड, ट्रैकबॉल, स्कैनर, माउस या तुम्हारा कीबोर्ड, क्या होगा भाई? ई, बिल्कुल। जो अगर हम कॉमनली यूज की बात करें, जो मैक्सिमम यूज की बात करें, तो अपना क्या होता है? कीबोर्ड यूज होता है। और कीबोर्ड की अगर हम कीज की बात करें तो भाई कंट्रोल, फंक्शन और तुम्हारी ऑल्ट, इन कीज को क्या कहते हैं? जल्दी से एक बार टाइप कर दो, इन कीज को क्या कहेंगे? कौन सी की कहेंगे? बिल्कुल भाई, इन्हें कौन सी की कहेंगे? मॉडिफायर की कहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, मॉडिफायर कीज होती हैं। और ये क्या है तुम्हारा? इसका आंसर क्या होगा? कीबोर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस हो गया, द CPU चिप यूज इन कंप्यूटर इज पार्शली मेड अप ऑफ। ये कह रहा है जो CPU चिप होती है या माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो तुम्हारा किससे बना होता है, उसका कुछ हिस्सा किससे बना होगा? आंसर आने शुरू हो गए। विनय त्यागी, पिछले क्वेश्चन का आंसर है मॉडिफायर। शुभम, रौनक, रमद, देव, बिल्कुल भाई। किसके बने होते हैं तुम्हारे? सिलिका के बने होते हैं। एंड सम ऑफ जर्मेनियम 2, बिल्कुल भाई, सम ऑफ जर्मेनियम 2 ही होता है। इसने कहा है कि उसका कुछ हिस्से की बात कर रहा है। तो कोरस ऑप्शन में से क्या होगा तुम्हारा? सिलिका होगा। विनय, शालू, रौनक, बिल्कुल भाई, तुम सबके आंसर बिल्कुल सही है। ये कह रहा ए बिट इज कंप्रोमाइज, ए बाइट इज कंप्रोमाइज ऑफ। ये कह रहा ए बाइट किससे मिलकर बनी है? 1 bit, 4 bit, 8 bit या 16 bits? और आंसर आने शुरू हो गए हैं। देव, रौनक, शुभम, विनय, किसकी भाई? 16 होगा या विनय? 16 नहीं होती, 8 होती हैं। 8 bit is equal to, अगर हम बात करें 8 bit, sorry भाई, ये 1 byte की बात कर रहा है, तो एक 1 byte is equal to 8 bits। क्या होगा? 8 bits होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और किस किस का आंसर आए? साक्षी, अक्षय, शालू, रमत, शुभम, रौनक, विनय। ठीक है भाई, 4 bit, बिल्कुल 4 bit इज इक्वल टू निबल। कितने? 4 bit बिल के निबल बनाते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन बी क्लासिफाइड एट पेज एट अ टाइम प्रिंटर। इसमें से कौन से प्रिंटर को हम पेज एट ए टाइम प्रिंटर कहते हैं? भाई ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? जो अपना क्या लेजर प्रिंटर को हम पेज
एट अ टाइम प्रिंटर कहते हैं। जो अपना लेजर प्रिंटर होता है उसे कौन सा प्रिंटर कहते हैं? लेजर भाई, लेजर को कहेंगे। लेजर इज कॉल्ड पेज एट अ टाइम प्रिंटर, इसका एक नाम रखा हुआ है, AKA also called as लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर को हम क्या कहते हैं? पेज एट अ टाइम प्रिंटर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज अ मशीन, ये कह रहा है जो आज के कंप्यूटर हैं वो मशीन इज मेंट फॉर, वो किस लिए हैं, उनका वर्क क्या है। अब भाई इसकी लैंग्वेज मत पकड़ो पिछले क्वेश्चन की, ये इसका बस एक नाम रख दिया है पेज एट अ टाइम प्रिंटर, AKA। जैसे कह देते हैं ना तुम्हारा नाम रौनक है तुम्हें किसी और नाम से बुलाने लगे, जैसे घर में छुटकी बुलाते हो तो ऑल्सो कॉल्ड एज छुटकी, तो ये क्या होते हैं AKA, इसे ऑल्सो कॉल्ड एज पेज एट अ टाइम प्रिंटर। इस क्वेश्चन पे आओ कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हम किस लिए यूज करते हैं, आंसर आ गया भाई देव का, शुभम का, बिल्कुल भाई किस लिए, इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन और किसके आउटपुटिंग ऑफ डाटा। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा तुम्हारा सही जवाब होगा। कंप्यूटर का हम यूज किसके लिए करेंगे? इनपुट स्टोरेज। स्टोरेज किस चीज का स्टोरेज भाई? अपने डाटा का स्टोरेज। ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुम सामान लाए बाहर से खरीद कर कंप्यूटर के बक्से में रख दिया, खोला अपना CPU उसमें घुसा दिया तुमने क्या कैबिनेट के अंदर। तो स्टोरेज किस चीज का होगा? अपना डाटा का, इंफॉर्मेशन का स्टोरेज होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कहता है ए टाइपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस, नहीं भाई आज अक्षय ज्योग्राफी की क्लास नहीं हो पाई थी, सुबह क्या था अपना वाईफाई का कनेक्शन नहीं आ पा रहा था, बीच में से कहीं से लाइट डिस्टर्ब हो गई थी तो ज्योग्राफी की क्लास नहीं हुई थी। ज्योग्राफी क्लास नेक्स्ट क्लास में, ज्योग्राफी क्लास होगी तुम्हारी। ये कह रहा है जो टाइपिकल मॉडर्न कंप्यूटर है वो यूज करते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप या तुम्हारा वैक्यूम ट्यूब्स, वॉल्स या ऑल ऑफ द अबव। भाई आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर की बात कर रहा है, मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर क्या यूज करेंगे? अगर मैं LSI के आगे VLSI और ULSI और लगा दूं तो क्या आंसर होगा भाई इसका? किस किस का आंसर आया है जरा देखें। रमत का आंसर आया है, शुभम का आंसर, ऑल ऑफ द अबव नहीं भाई, क्या होता है तुम्हारा LSI होता है भाई। तुम्हारी ज्योग्राफी जो है नेक्स्ट क्लास में होगी, आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर हम बात करें क्या होता है भाई, अपना VLSI होता है, क्या VLSI, इसने से क्या कह दिया, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो क्या आंसर होगा तुम्हारा? बिल्कुल भाई रौनक तुम्हारा भी था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देख लो भाई बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है, ENIAC इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर had huge advantage over Mark 1 because it is a electronic walls in place of electromagnetic switches in the beginning. ENIAC was used for calculating on the path of artillery. इसका एक छोटा सा समरी समझ लो, ये कहना ये चाह रहा है कि हमने जो अपना क्या ENIAC बनाया था वो आर्टिलरी शेल्स को गिनने के लिए बनाया था USA आर्मी के लिए, लेकिन वो यूज किस लिए हुआ था, वो यूज किस लिए हुआ था अगर हम बात करें। बनाया तो था हमने किसके लिए, जो आर्टिलरी तुम्हारी क्या होती हैं, आर्टिलरी शेल्स होती हैं उन्हें गिनने के लिए, लेकिन जो इसका यूज हुआ था वो यूज हुआ था हाइड्रोजन बॉम्ब की कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये किस लिए यूज में आया था, ये यूज में आया था तुम्हारा किस लिए, हाइड्रोजन बॉम्ब की जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे हम, नहीं USA वाले। तो क्या आंसर होगा भाई इसका? हाइड्रोजन बॉम्ब, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और हाइड्रोजन बॉम्ब किसी ने दिया है क्या, ए है क्या किसी का, हाइड्रोजन बॉम्ब अक्षय अभी आया है तुम्हारा आंसर। तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए बनाया क्या था, USA आर्मी ने इसे कहा था कि भाई हमारे लिए कंप्यूटर बनाओ किससे, जिससे हम अपना जो गोला बारूद है उसकी कैलकुलेशन कर चुके, कर सके कि कितना कहां खर्च होता है, लेकिन ये इतना टाइम तक बन नहीं पाया, फिर ये यूज किया हाइड्रोजन बॉम्ब की कैलकुलेशन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हु वॉज द फादर ऑफ पंच कार्ड प्रोसेसिंग, इसका आंसर कोई गलत नहीं देगा। पंच कार्ड प्रोसेसिंग का फादर किसे कहें, या ये हम कहें कि पंच कार्ड भाई किसने बनाया था, जो आज जो हमने यूज किया था, किसमें, ENIAC में यूज किया था, बिल्कुल भाई किसने, डॉक्टर हरमन हॉलेरेथ। कौन थे भाई डॉक्टर हरमन हॉलेरेथ थे, किस किस का आंसर आया है, रमत, अक्षय, रौनक और कोई भाई, विनय, शुभम, शालू, डॉक्टर हरमन थे। साक्षी का भी आ गया और देव का भी आ गया, बिल्कुल भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है द बारकोड, जो तुम्हारा बारकोड होता है उसे स्कैन करते हैं, वो जो बारकोड लगा होता है
बारकोड है क्या इस पे भाई? ये देखो वाटर बॉटल पे तुम्हें बारकोड दिखाई देगा, ये जो लाइन सी है ये है बारकोड। इसे रीड करने के लिए क्या यूज होता है? इसे किससे रीड करते हैं भाई? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से तो हम टेक्स्ट रीड करते हैं, तो ओसीआर नहीं होगा, एमआईसीआर बैंक में यूज होगा, तो एमआईसीआर नहीं हो सकता। अब बचा तुम्हारा लेजर स्कैनर। तुम कभी ध्यान से देखना उनके हाथ में कैसी मशीन सी होती है, ऐसे करके एक मशीन सी होगी जिससे रेड कलर की या ब्लू कलर की लाइट निकल रही होगी, जैसे तुम्हारा ये माउस है, ये माउस देख रहे हो, ये माउस देखो इसमें क्या है, ये लेजर निकल रही है। क्या निकल रही है भाई? माउस में से लेजर निकल रही है। तो ऐसे ही लेजर निकलती है तुम्हारे बारकोड स्कैनर में से। तो क्या होगा भाई इसका आंसर? मॉल में, बिल्कुल भाई मॉल में मिल जाएगा। और तुम्हारा कहां पे मिल जाएगा? कैंटीन वगैरह में कहीं पे मिल जाते हैं, जो बड़ी बड़ी क्या होती है तुम्हारी अच्छी खासी शॉप्स होती हैं। अब तो क्या, अब तो एक ऐसे बड़ी सी स्क्रीन होती है उसके सामने ऐसे कर देते हैं, बस अपना हो जाता है रीड। तो होता क्या है, तुम्हारा लेजर का स्कैनर होता है जिसका नाम क्या होता है? बार कोड रीडर। बार कोड रीडर नाम होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो क्या होगा भाई इसका आंसर? बार कोड रीडर होगा। ये कह रहा है ए प्रोसेसिंग यूनिट डेट कोऑर्डिनेट नेटवर्क्स एंड डाटा कम्युनिकेशन। बिल्कुल भाई, लाइब्रेरी में बुक इशू के लिए भी होता है। अगर लाइब्रेरी में, अगर तुम किसी बड़ी लाइब्रेरी में, गवर्नमेंट लाइब्रेरी में जाओगे, तो वो क्या करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं। किस लिए? ये चेक करने के लिए कि इसका ऑथर कौन था, कि ये भाई कब कहाँ से आई है, ऑरिजन कहाँ है, इसके रेट क्या है। तो वो सब किस पे मिलता है? लाइब्रेरी में हमें पता चल जाता है। ये पूछ रहा है जो तुम्हारा कौन कोऑर्डिनेट करता है नेटवर्क और डाटा कम्युनिकेशन, कौन करेगा भाई इसमें? इसके लिए अलग से एक प्रोसेसर होता है, अलग से एक प्रोसेसर होगा भाई। कंट्रोल यूनिट तो क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट तुम्हारा कंट्रोल करता है क्या भाई, जो तुम्हारे डिवाइसेस से डाटा आ रहा है, जा रहा है, मतलब एक वर्क के बाद दूसरा वर्क होना है, तो ये कौन कंट्रोल करेगा? इसके लिए कंट्रोल यूनिट होगी। इसके लिए अलग से क्या होता है तुम्हारा? अलग से एक प्रोसेसर होगा, उसे हम क्या कहेंगे? बिल्कुल भाई, कम्युनिकेशन प्रोसेसर कहेंगे। और ऑप्शन नंबर बी किसने दिया है? अक्षय ने और तुम्हारा रौनक ने। तो क्या कहते हैं उसे? कम्युनिकेशन प्रोसेसर कहेंगे। ये कह रहा है द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ट बाय इंटेल कॉर्पोरेशन वॉज कॉल्ड। क्या नाम था भाई पहला जो इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर बनाया था? मैंने बताया था और कोई गलत जवाब नहीं देगा कोई भी भाई। 4004 था या 404 था? सी आंसर आया है 4004। किस किसका है? रौनक का और तुम्हारा किसका? रमत का है। इंटेल सी 4004, बिल्कुल भाई इंटेल सी 4004 था। और विनय, शुभम, अक्षय, रौनक, रमत, तुम सबका आंसर सही है। ये कह रहे सेंटा क्लेरा वैली कैलिफोर्निया में है, उसे हम सिलिकॉन वैली कहते हैं, क्यों क्यों कहा जाता है? क्या वहां बहुत ज्यादा सिलिकॉन मिलता है, या दूसरा वहां बहुत ज्यादा सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चर होती है, या वहां क्रिसमस पे हर साल सेंटा क्लॉस आता है, वो कहता है बताओ बच्चों क्या चाहिए, सरकारी नौकरी ये लोग। तो क्या आंसर होगा भाई इसका? या वहां पे लार्ज ग्रेन सैंड मिलता है, सैंड के ड्यून है, बड़े बड़े क्या है तुम्हारे ढेर है किसके? रेतों के। तो क्या आंसर होगा? बिल्कुल भाई, अगर हम बात करें सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, कैलिफोर्निया में है, और वहां क्या है बहुत ज्यादा क्या क्या मैन्युफैक्चर होती है तुम्हारी? चिप्स मैन्युफैक्चर होती है, माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इसीलिए तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। पूजा का आंसर आया है बी। साक्षी, शालू, देव, शुभम, रौनक, अक्षय और किसका? रमत का। बिल्कुल भाई, सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चरिंग, इसीलिए हम किसे सेंटा क्लेरा वैली को क्या कहते हैं, अपना सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। व्हाट इज द नेम गिवन टू 8 बिट यूनिट यूजिंग फॉर कोडिंग डाटा? भाई क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन हो गया है, जो नहीं आए थे वो इसका आंसर दे दो, फिर चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन बाइट, बिल्कुल क्या कहेंगे? वन बाइट कहेंगे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। ये कह रहा था इक्विपमेंट With which the computer talks to user is called. Equipment कहा है, थोड़ा ध्यान रखना। बिल्कुल भाई शुभम, साक्षी, अक्षय क्या कहेंगे? वन बाइट कहेंगे। एक इक्विपमेंट की बात कर रहा है, इस चीज को थोड़ा पकड़ना है, ये तुमसे सॉफ्टवेयर नहीं कह रहा, ये लाइन पकड़ लेना जरा थोड़ी सी। बिल्कुल भाई, बहुत ही समझदार बालक है यहां पे। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल भाई,
क्या कहते हैं? पेरिफेरल कहते हैं। अक्षय, देव, रमद, रौनक, शुभम, सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे भाई, इक्विपमेंट की बात कर रहा है, फिजिकल स्टेट की बात कर रहा है। और जब भी इक्विपमेंट की बात होगी तो कौन सा इक्विपमेंट होगा तुम्हारा? पेरिफेरल होगा, जिसके थ्रू क्या हो सकता है तुम्हारा? माइक्रोफोन हो सकता है, इनबिल्ट माइक्रोफोन हो सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? पेरिफेरल। पेरिफेरल तुम्हारे क्या होते हैं भाई? पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? तुम्हारा प्रिंटर पेरिफेरल में आएगा, तुम्हारा स्कैनर पेरिफेरल में आएगा, और क्या तुम्हारा स्पीकर किसमें आएंगे? ये सब पेरिफेरल में आएंगे। तुम्हारा क्या माइक्रोफोन की बात करें, माइक की बात करें, तो ये किसमें आएगा? पेरिफेरल में आएगा। और क्या बचा? और भी जो डिवाइस हम अलग से कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल भाई, सपोर्टिव डिवाइस कनेक्ट करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम? पेरिफेरल कहेंगे। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है, अच्छा नीचे वाला क्वेश्चन नहीं हटा भाई अभी। ये कह रहा है द टर्म गीगाबाइट, 1 GB इज इक्वल टू, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि 1 GB किसके बराबर होता है, और आंसर आया है रमत का सी 1 MB, देव का आंसर है सी 1024 मेगाबाइट्स, रौनक, अक्षय, पूजा, शुभम, साक्षी और कौन? विनय। बिल्कुल भाई, अगर हम बात करें 1 GB, 1 GB किसके बराबर होता है? 1024 MB के। 1024 MB किसके बराबर होगा? 1024 KB के। एमबी स्टैंड फॉर मेगाबाइट, तो 1 GB किसके बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पर, क्या कहता है ये? द मॉनिटर ऑफ अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इट बाय अ, ये किससे कनेक्ट करेंगे हम अपना मॉनिटर? कंप्यूटर से। भाई देखो, मॉनिटर तो वायरलेस है नहीं, वायरलेस मॉनिटर तो अभी तक है नहीं, तो किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? वायर तो टर्म यूज नहीं करेंगे हम, सबसे पहली बात वायर टर्म यूज नहीं होगी, वायर टर्म यूज नहीं करेंगे हम, एक क्या यूज करेंगे? केबल। बिल्कुल भाई, केबल। रौनक, शुभम, साक्षी, शालू, किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं हम अपना मॉनिटर की बात करें तो किसके थ्रू यू कनेक्ट करेंगे हम? केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। साक्षी, शालू, भाई तुम सबका आंसर बिल्कुल सही है। और किसका? अक्षय का केबल आंसर है, देव का, शुभम का, केबल के थ्रू। ये कह रहा है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये कह रहा है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स टू अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताते हैं कुछ करने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं हम? क्या कहेंगे भाई देव? एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन तो क्या कहते हैं हम? बिल्कुल भाई, रौनक, शुभम, अक्षय, क्या कहेंगे उन्हें हम? प्रोग्राम कहेंगे। प्रोग्राम क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है दूसरा, तो उन्हें हम क्या कहने वाले हैं? विनय त्यागी प्रोग्राम, शुभम त्यागी डी प्रोग्राम कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शालू डी, क्या कहेंगे हम? प्रोग्राम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन्ड, क्या था भाई तुम्हारे पहले डिजिटल कंप्यूटर में? क्या लगी हुई थी? अगर मैं कहूं इसे क्वेश्चन को चेंज करके कि भाई तुम्हारी एनीएक में क्या लगा था, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था? रौनक, देव, शुभम, शुभम ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब। बिल्कुल भाई, क्या यूज किया था हमने? वैक्यूम ट्यूब यूज किया था। अक्षय, साक्षी, पूजा, देव, शुभम, रौनक, क्या यूज किया था? पहले जनरेशन की बात करें तो हमने क्या यूज किया था? वैक्यूम ट्यूब यूज किया था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी, फोर्थ जनरेशन में हमने किस पे आ गए? अपना माइक्रो प्रोसेसर पे आ गए। अच्छा कोई बात नहीं भाई, ऑप्शन नंबर नहीं डले तो हो जाता है। हु इज क्रेडिटेड विद द आइडिया ऑफ यूजिंग पंच कार्ड वीविंग मशीन में? मैंने बताया था तुम्हारा क्या था, एक बंदा था, उसने देखा कि भाई तुम्हारी मशीनें चल रही हैं बार बार हाथ से डिजाइन, एक डिजाइन जो बन रहा है तुम्हारे कपड़ों में बार बार चेंज करना पड़ रहा है, तो किसने था? वीविंग मशीन की बात कर रहा है भाई, वीविंग मशीन। ये वर्क करता था तुम्हारे किसमें? एक फैक्ट्री में वर्क करता था, ये जाके देखता है कि बार बार एक ही डिजाइन पलटना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करता है, ये एक पैटर्न बनाता है। और वो किसने बनाया था भाई तुम्हारा? भाई जैकार्ड नाम याद है किसी को? किसी को जैकार्ड याद है? ऑप्शन नंबर डी,
बिल्कुल भाई, कौन था तुम्हारा? जैकार्ड था। वीविंग मशीन में किसने बनाया था? जैकार्ड ने बनाया था। जैकार्ड का आइडिया कंबाइन करके तुम्हारा कौन बनाता है? हरमन हॉलियर। और किसका आंसर था? अच्छा डी, ठीक है भाई, देव का आंसर भी क्या था? डी था, तुम्हारा जैकार्ड था। जब मैंने फर्स्ट डे या सेकंड डे अपनी क्लास थी तब इस बारे में बात करी थी, तब तुमने शायद ना सुनी हो ये बात। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। रौनक भाई तुम्हारे लिए क्या कर रही है? क्लैपिंग कर रही है, तुमने सही आंसर दिया है। ये कह रहा था अरेंजिंग ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। जब हमारा डाटा किसी लॉजिकल सीक्वेंस में लगा देते हैं, जैसे हम क्या लिखें, हम कोई भी वर्ड लिख दें, आई लव इंडिया माई, ये क्या है? तुम्हारा डाटा है, लेकिन यहां इसका कोई लॉजिकल नहीं बनता। माई इंडिया आई लव, तो क्या आंसर होगा इसका? अगर हम इसे लॉजिकल में लगाएं, आई लव माई इंडिया, तो ये क्या लॉजिकल सीक्वेंस होगा। तो इसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे भाई इसे, क्या कहेंगे? शॉर्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? शॉर्टिंग कहते हैं डाटा को लॉजिकल उसमें किस क्या करना, शॉर्ट करना। डाटा को क्या कहेंगे? शॉर्टिंग कहेंगे, डाटा को अरेंज करना लॉजिकल फॉर्मेट में। तो क्या कहते हैं इसे? शॉर्टिंग कहेंगे। अक्षय, विनय और किसका आंसर आया है? देव का आंसर डी है, समराइजिंग। भाई समराइजिंग नहीं, शॉर्टिंग कहेंगे। ये कह रहा है, एक कंप्यूटर हैज 1024 केबी मेमोरी, व्हाट डज द लेटर केबी स्टैंड फॉर? के कह रहा है, के का मतलब क्या होगा यहां पे? अगर हम बात करें 1024 केबी, 1024 केबी किसके इक्वल होगा भाई? नन ऑफ दीज भाई, बेस में नहीं है, बी लिख लो भाई, केबी लिख लो। क्या होगा 1024 किसके? 1 MB के इक्वल होगा। बी गायब था, 1 MB के इक्वल होगा। अगर खाली के लिखा हो तो खाली के किसके बराबर होता है? खाली के हमारा बराबर होता है 1000, किसके? 1000 को हम क्या देते हैं? 1K कह देते हैं। तो ये आंसर किसका? शुभम, साक्षी और रौनक, देव, विनय। क्या कहेंगे भाई इसको? भाई 1024 के भी लिखा है तो तुम्हारा क्या होगा? 1 MB के इक्वल होगा, लेकिन अगर खाली के होता है तो 1000 के इक्वल होता है। ये कह रहा है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन रिटन विद द यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी मशीन कोड इज कॉल्ड। क्या कहेंगे भाई उसे हम? तुम्हारे इंस्ट्रक्शन हमने बाइनरी में ना लिखे, इंग्लिश में लिख दिया, तो उसे हम कौन से कोड कहते हैं? निमोनिक, सिंबॉलिक, ग्रे या ओपी कोड। भाई जो कोड बाइनरी में ना लिख के हम किसमें, इंग्लिश में लिख देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सिंबॉलिक कोड कहते हैं। बाद में क्या होता है, बाद में वो ट्रांसलेट हो जाते हैं किसमें, तुम्हारे मशीन लैंग्वेज में। तो क्या कहेंगे भाई? बिल्कुल हम उसे क्या कहने वाले हैं? सिंबॉलिक कोड कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंबॉलिक कोड। और ये सबसे पहले आंसर किसका आया है? विनय का, बी। बिल्कुल भाई विनय, शुभम और रौनक, साक्षी, पूजा, देव। बिल्कुल क्या कहेंगे? सिंबॉलिक कोड कहेंगे। भाई एग्जांपल तो अपना कंप्यूटर सिस्टम ही होता है। जब कोडिंग करते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम क्या यूज करते हैं? आजकल के तुम्हारे कोडर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, वो टाइप करते हैं इंग्लिश में, बाद में उसे चेंज कर दिया जाता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। सर आप नीचे से पढ़ते हो, द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टाइपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये कह रहा है जो तुम्हारे कंप्यूटर का सिस्टम होता है उसमें से इनमें से क्या नहीं होता? माइक्रो प्रोसेसर होता है, डिस्क कंट्रोलर, पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहा है, वो कंप्यूटर जो तुमने घर में यूज किया है, नेट से कनेक्ट नहीं है। तो क्या होगा भाई तुम्हारा इसका आंसर? क्या कनेक्ट नहीं करते? अगर हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो इनमें से पर्सनल कंप्यूटर वर्ड यूज हुआ है मित्रों, इसके वर्ड को पकड़ो, पीसी की बात कर रहा है, पीसी में क्या होगा? सीरियल इंटरफेस भी होता है, डिस्क कंट्रोलर भी होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगर हम उसे नेट से कनेक्ट ना करें तो हम क्या यूज करते, क्या यूज नहीं करते? हम मॉडेम यूज नहीं करते। लेकिन अगर यहाँ सिंपल एक वर्ड लिखा होता कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर ना लिखा, तो क्या आंसर होता? ऑल ऑफ द अबव कंटेंट होता है। बिल्कुल भाई मॉडेम नहीं होता, क्या नहीं होता तुम्हारा? मॉडेम नहीं होता।
ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू. ये कह रहा है सीपीयू के दो कौन से भाग हैं, तो कौन से होंगे, रजिस्टर कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर मेन मेमोरी, कंट्रोल एंड एएलयू, एएलयू एंड बस. बस क्या होगा देखते रहिए रुद्र गुरुकुल लाइव पे 2100 प्लस क्वेश्चन की कंप्यूटर की सीरीज. और आंसर आ चुके हैं, सबसे पहला आंसर आया शुभम का कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, उसके बाद देव, साक्षी, अक्षय और विनय. रौनक गायब है भाई, रौनक का आंसर नहीं आया, तो क्या आंसर होगा इसका, सीयू और एएलयू. बिल्कुल अक्षय, सीयू और एएलयू होगा, तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी. पूजा का आंसर आया है सी, सबसे पहले मेरा था भाई शुभम. अच्छा उससे बीच में कुछ कह रहा था, ठीक है भाई, ठीक है. हाँ भाई रमत तुम्हारा ऊपर था, सबसे पहले था. ये कह रहा है 1025 बाइट्स रिप्रेजेंट है, 1025. आप कमेंट्स नीचे से करते हो. अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, तुम सबने सही आंसर दिया है. इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने सबने सही आंसर दिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने पहले दिया है. तो क्या आंसर होगा, 1024 बाइट्स किसके इक्वल होती है, 1 MB के. क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ, क्योंकि 1024 बाइट्स किसके इक्वल होती है, एक मिनट, मैंने क्या बोला, एमबी के इक्वल, 1024 एमबी के इक्वल होगी बाइट्स. भाई बाइट्स की बात कर रहा है, किसके बराबर होगी, 1 KB के. लाइफलाइन जी गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं भाई, 1 KB के इक्वल होती है. तो सबसे पहले गलत आंसर आया था देव का, उसके बाद तुम सबके सही आंसर हैं, 1 KB इज द राइट आंसर. चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये कह रहा है विच टाइप ऑफ डिवाइस इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की बात कर दी, हार्डवेयर डिवाइस की बात कर दी, जो सीपीयू से इंफॉर्मेशन लेगा. भाई कौन देख लेगा अपना सीपीयू से, या हम ये कहें कि भाई सीपीयू अपनी इंफॉर्मेशन आगे किसे ट्रांसफर करता है, किसे ट्रांसफर करेगा भाई. इक्विपमेंट की बात करी है, इक्विपमेंट, ये तुमसे इनपुट आउटपुट सिस्टम की बात नहीं कर रहा, इक्विपमेंट की बात कर रहा है. इक्विपमेंट पकड़ो, वर्ड पकड़ो. विनय त्यागी सी, अक्षय आउटपुट, कौन से इक्विपमेंट्स होंगे, कौन से डिवाइसेस होंगे, वो इनपुट डिवाइस होंगे, आउटपुट डिवाइस होंगे, सीपीयू होगी या मेमोरी या स्टोरेज. भाई किसे करता है, तुम्हारा आउटपुट को करेगा, आउटपुट किसका आंसर है तुम्हारा, तुम मेमोरी नहीं भाई, मेमोरी को नहीं करेगा. इक्विपमेंट की बात करें तो किसे करेगा, वो आगे आउटपुट डिवाइस को ट्रांसफर करता है. अच्छा आपका आउटपुट है, ठीक है भाई. तो एक काम करो विनय, तुम अपनी क्लास को लाइव पे डाल दो, वो शायद लाइव से पीछे चल रही है. और अगर हम बात करें सीपीयू किससे लेगा तुम्हारा, क्या इन डाटा किससे लेगा, तो तुम्हारा क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा. क्या होगा भाई, तुम्हारा इनपुट डिवाइस होगा. यहाँ बात करें किससे देगा अपना डाटा, इन्फॉर्मेशन किसे देगा, इक्विपमेंट की बात कर दी, तो आउटपुट डिवाइस को देगा. ये कह रहा है एएलयू एंड सीयू मोस्ट यूनिट ऑफ द मोस्ट माइक्रो कंप्यूटर आर कंबाइंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप. What it is called? उस चिप को हम क्या कहते हैं. अच्छा लाइव है, ठीक है भाई. कई बार वो रेड सा ब्लिंक नहीं कर रहा होता लाइव, तो कई बार हो जाता है. क्या कहेंगे भाई, आंसर आया है बी. तुम्हारे आंसर आने शुरू हो गए हैं, मैं ये नहीं देख पा रहा किसका पहले आया. साक्षी, देव, विनय, रमत और किसका, तुम्हारा, रौनक का. बिल्कुल क्या कहेंगे हम, माइक्रो प्रोसेसर कहेंगे. अक्षय, साक्षी, रौनक दोबारा कई बार आंसर दे रहे हैं. बिल्कुल भाई क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोसेसर ही कहते हैं. स्टोरेज ऑन पीसी अलाउ यू टू स्टोरेज फाइल. कह रहा है पीसी में जो स्टोरेज यूनिट हो सकती है, स्टोरेज यूनिट होती है, वहां क्या करते हैं, हम अपनी फाइल स्टोर करते हैं अंटिल समथिंग रेसिटिक, जब तक कोई उसे डिलीट ना करे, जब तक किसी के सिर में खाज ना लगे और वो जाके उसे ना मिटाए. बट मेमोरी, एक मेमोरी होती है जो क्या करती है, अपना कंटेंट लोस्ट कर देती है, वो कौन सी होती है. ओके रिपोर्ट है, ठीक है भाई, ओके रिपोर्ट है. ये कह रहा है स्टोरेज एंड प्लीज पीसी अलाउ यू टू स्टोर फाइल अंटिंग समथिंग इट इरेजेस इट. बट मेमोरी, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कब उड़ जाती है, पत्ती गुल कब होगी, क्या चली जाए कि तुम्हारी बत्ती गायब हो जाए. भाई मेमोरी को हम क्या कहते हैं, मेमोरी को रैम भी कहते हैं. अब यहां से पकड़ो,
तो क्या भग जाए जिससे तुम्हारी, देखो ये कह रहा है कि तुम्हारी हार्ड डिस्क में कोई डाटा है, क्वेश्चन समझो, ये कह रहा है हार्ड डिस्क के अंदर तुम्हारा कोई डाटा है, वो डाटा तब तक सुरक्षित है जब तक किसी के सिर में क्या ना लगी हो, कोई चोट ना लगी हो और तुम्हारा डाटा डिलीट ना किया हो, तो वो डाटा तभी डिलीट होगा। लेकिन रैम का डाटा कब डिलीट होगा, अगर हम रैम की बात करें, ये पूछ रहा है रैम का डाटा कब डिलीट होगा, ये नहीं कह रहा कि कौन सी चिप होगी वो तुम्हारी। तो क्या आंसर होने वाला है मित्रों इसका, भाई आंसर आए हैं तुम सबके सी, बिल्कुल सही, पावर जैसी बत्ती गुल लाइट गुल, तुम्हारी रैम कैसी वॉलेटाइल मेमोरी है और तुम्हारा कैसा डाटा गुल, लाइट भागते ही डाटा गायब। द फंक्शन ऑफ सीपीयू, बहुत ही आसान सा सवाल तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सीपीयू का काम क्या होता है, रीड करना, इंटरप्ट करना, प्रोसेस करना इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को। बिल्कुल भाई, तुमने इलेक्ट्रिसिटी के इतने सारे मुझे क्या बता दिए, सिनोनियम बता दिए, पर्यायवाची बता दिए, मैं धन्य हो गया। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है, सीपीयू का फंक्शन क्या होगा। तो आंसर आया है सबसे पहले देव, देन शुभम, फिर आया है विनय, पूजा, रौनक और देव का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सहलेश पिलानिया, बिल्कुल भाई क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होता है, सीपीयू का करता है रीड करता है डाटा को, फिर उसे इंटरप्ट भी करता है, फिर क्या करता है उसे प्रोसेस के लिए कहां ले जाना है, सी तुम्हारा कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगी और बाद में क्या आउटपुट निकाल देता है प्रोसेसर और वो सेव भी हो जाता है। तो क्या आंसर होगा भाई इसका, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ जनरेशन, पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, एआई करेंगे, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग एआई और तुम्हारा क्या ह्यूरिस्टिक बिहेवियर, ह्यूरिस्टिक बिहेवियर। देखो भाई मैंने पैरेलल प्रोसेसिंग बताया था कि पैरेलल प्रोसेसिंग होगी, एक साथ कई सारी प्रोसेसिंग होगी तुम्हारे आर्टिफिशियल, इसमें तुम्हारे फिफ्थ जनरेशन में। आगे की बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो होगा ही होगा, और तुम्हारा ह्यूरिस्टिक बिहेवियर क्या होता है, ह्यूरिस्टिक बिहेवियर होता है कि भाई सोचने का समझने का एक तरीका कि कुछ हाँ ये किस मैनर में किया जाए तो क्या होगा। ऑल ऑफ द अबव, किस किस का भाई, तुम्हारा सभी का आंसर ठीक है, ए टू जेड तुम्हारा सभी का आंसर सही आया है, ऑल ऑफ द अबव करता है तुम्हारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, विच इज बेस्ड ऑन यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो क्या आंसर होने वाला है, डी आंसर इज द राइट आंसर। ये कह रहा है कौन कोऑर्डिनेट करता है कि भाई कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा तुम्हारा सीपीयू के पास जाके, जो तुम्हारा प्रोसेसर लगा है बीच में, भाई कौन सा काम पहले भेजू, कौन सा काम बाद में करवाऊं, कौन डिसाइड करने वाला है, लॉजिक, अर्थमेटिक, रजिस्टर या कंट्रोल यूनिट। शुभम सीआई कंट्रोल यूनिट, ठीक है शुभम मैं तुम्हारी क्या फीलिंग समझ गया, तुम सीयू लिखना चाह रहे थे। तो रौनक का सबसे पहला आंसर आया शुभम का, देन रौनक, उसके बाद विनय, साक्षी और देव, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कंट्रोल यूनिट डिसाइड करती है कि भाई कोई वर्क आया है तो कहां जो अपना प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा गया किस रिदम में भेजा है, ये काम रोक लो ये काम पहले जाएगा। ठीक है, तुमने क्या किया, मैसेज टाइप किया, तुमने वर्ड पे कोई ट्राई चीज टाइप की, फिर तुमने प्रिंट की कमांड दी, उसके बाद तुमने क्या किया, उसके बाद डिलीट कर दिया, कंप्यूटर का दिमाग घूम गया, उसने क्या किया पहले डिलीट की बाद में प्रिंट की कमांड दी, तो निकलेगा क्या, व्हाइट पेपर निकल के आया, सफेद कागज, जमीन नाम करा लेना फिर तुम अपनी। तो होता क्या है सर, वर्ड पर ना जाओ, फीलिंग समझो, ठीक है भाई फीलिंग समझ रहे हैं। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे, द इक्विपमेंट विद विच द कंप्यूटर टॉक टू इट्स यूजर इज कॉल्ड, ये हो गया भाई तुम्हारा, अब चलते हैं आगे वाले सवालों की तरफ। तो क्या होते हैं तुम्हारी पेरिफेरल्स होते हैं, आ गया तुम्हारे पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्टिंग टेक्स्ट मींस, अगर हमने कोई सेलेक्ट टेक्स्ट सेलेक्ट किया है इसका मतलब क्या है, क्या मतलब होगा इसका, वर्ड सेलेक्ट करना, एंटायर सेंटेंस सेलेक्ट करना या होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना। भाई अगर हम टेक्स्ट की बात करें, जब भी हम टेक्स्ट की बात करेंगे तो क्या तुम हम वर्ड भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है और तुम्हारा क्या हो सकता है, होल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। तो क्या होगा, एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई भी हो सकता है।
और सबसे पहले तुम सभी के आंसर एक साथ आए हैं, तुम सबने आंसर सबसे जल्दी जल्दी दिए हैं, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटिंग एमएस वर्ड 97 से लेके 2003 तक, जो हम अपना वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर पे जो फाइल बनाते थे उसको फाइल एक्सटेंशन क्या होते थे? अरे भैया कैरी मिनाते की फैन फॉलोइंग छोड़ो, अपना पेपर पे फोकस करो भाई, उसे तो ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, उसे देख देख के तुमने उसके व्यूज बढ़ा बढ़ा के तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं, बस मन की शांति के लिए तुमने उसको देखा, उसे तो बना दिया ब्रांड एम्बेसडर, तुम भी कुछ बन जाओ, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले लो, मान जाओ। अच्छा ठीक है, हाँ उसे क्या कहेंगे, अगर हम 97-2003 तक की बात करें तो .doc यूज करते थे, लेकिन 2007 से जो अपना माइक्रोसॉफ्ट क्या आया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट 2007 के बाद आया है, साथ आया है, तो उसमें हमने क्या यूज किया है, .docx। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ प्रोसेसर मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डाटा प्रोसेसर it and produce it output results, can you tell in which component it's a raw data feed? लो भैया इतनी सारी कहानी लिख दी, बाद में छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि तुम्हारा raw data कहां से आता है, तुम्हारा कच्चा माल कहां से सप्लाई होगा, तुमने कोई डाटा डाल दिया तो कहां से सप्लाई होगा? आंसर नहीं आया भैया, बातें कर लो तुम पहले, आंसर तो देते रहेंगे, दिल्ली पुलिस तो फिर आ जाएगी है? ना आने की, दिमाग से निकाल दो, पढ़ाई पे फोकस फोकस कर लो, जॉब वॉब ले लो। मेन मेमोरी, बिल्कुल भाई, अगर हम बात करें मेन मेमोरी में जाता है, और मेन मेमोरी क्या है, तुम्हारी रैम है। कोई डाटा फीड किया, हमने कोई कमांड दी, हमने कोई डाटा डाला, कहां जाएगा वो तुम्हारा? वो जाएगा तुम्हारा किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। सीपीयू किस में, वो डाटा फीड हो चुका है तुम्हारा मेन मेमोरी में, अब वो चाहिए सीयू को, किसको चाहिए तुम्हारा, सॉरी ALU को चाहिए तुम्हारा, या कंट्रोल यूनिट को चाहिए, तो वहीं से वो डाटा उठाते रहेंगे। तो ये क्या होगी भाई, मेन मेमोरी होगी, क्या होगी, मेन मेमोरी होगी। और मेन मेमोरी किसी का आंसर आया था क्या, सबसे पहले शुभम का आंसर आया था मेन मेमोरी, उसके बाद देव, साक्षी, विनय, अक्षय। तो क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है भाई। कहानी छोड़ दे, कह रहा है कि जो रो डाटा होता है वो कहां से उठाते हैं। रौनक ने आंसर डिलीट कर दिया था, ये कह रहा है द ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर सर्किट्स वर इंट्रोड्यूस इन द, ये कह रहा है ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में लेके आए थे हम, बताओ भाई। सबसे पहले देव का आंसर थर्ड जनरेशन, देख लो भाई ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है, देव कह रहे हैं थर्ड जनरेशन, रौनक कह रही है सेकंड जनरेशन, अक्षय सेकंड, शुभम थर्ड, साक्षी सेकंड। अभी डिसाइड कर लो भाई सेकंड है या फर्स्ट थर्ड है। विनीत, मतलब इतना आराम से समझाया था, बहुत ही प्यार से समझाया था, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीन टांग आले, ऐसे करके तीन टांग होती थी भाई इनकी। ट्रांजिस्टर के बाद आगे तुम्हारी आईसी चिप, जिसमें हमने बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा दिए थे, एक ऐसा होता था तुम्हारा कान खजूरे जैसा, फिर कई सारे ट्रांजिस्टर और छोटे करके माइक्रो प्रोसेसर में लगा दिए। तो क्या होगा भाई इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी सेकंड जनरेशन में लेके आए थे। क्यों भाई मेरा नाम खराब कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, बताने के बावजूद बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन का आंसर तुम गलत देख रहे हो। मतलब बताने के बावजूद भी शुभम कह रहा है कि थर्ड में था ट्रांजिस्टर, बताओ शुभम तुम्हारा क्या किया जाए। मतलब मेरा मन करता है कि मैं अपना सिर दीवार में देके मार दूं। डीआरएस चाहिए सर हमें, ठीक है भाई डीआरएस क्लास के बाद देंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, इनमें से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है? भाई थर्ड में तुम्हारी आईसी आ गई थी, ऐसे मत करना कि थर्ड में भी था, पता चला तुम पहुंच गए एसएससी के बाहर प्रदर्शन करने की, भाई शाहीन बाग जैसा तुमने भी वहां टेंट गाड़ दिया कि थर्ड में भी आया था सेकंड में भी आया था। नहीं, सेकंड में आया था तुम्हारा ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी चिपा गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था। तो क्या है तुम्हारा, बिल्कुल भाई बॉल्ड इटैलिक रेगुलर की बात करें, ये क्या है, फॉन्ट के स्टाइल्स हैं। लेकिन सुपर स्क्रिप्ट क्या है, ये फॉन्ट का स्टाइल नहीं होता, ये टेक्स्ट का स्टाइल होता है। किसका? तुम्हारा टेक्स्ट का होता है, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। बिल्कुल भाई, सर्स कॉल हो गई, डीआरएस नहीं हुआ। देखो जैसे हम क्या करते हैं, हमने कोई नंबर लिखा या कोई भी वर्ड लिखा, उसके ऊपर जो लिखा जाता है उसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। जैसे तुम H2O लिख रहे हो तो ये क्या कहेंगे, इसे तो कहेंगे सबस्क्रिप्ट। लेकिन तुम क्या लिख रहे हो, 2 की पावर 5 या 2 की पावर n लिख रहे हो, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम क्या, सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहेंगे? सुपर स्क्रिप्ट कहेंगे। और ये किसके स्टाइल होते हैं? ये स्टाइल होते हैं तुम्हारे टेक्स्ट के। किसके? टेक्स्ट के होते हैं। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई टू अ कैरेक्टर। ये कह रहा है मैक्सिमम फॉन्ट स्टाइल तुम कितना यूज कर सकते हो, एक कैरेक्टर की बात कर रहा है भाई। अगर हम बात करें मैक्सिमम फॉन्ट स्टाइल की तो कितना करेंगे, ये बताया नहीं है, फिर भी तुम देखो, देखता हूं। नमस्ते लंदन, आज ट्रिगनो की क्लास क्यों नहीं थी भाई? नेक्स्ट क्लास भाई रुद सर की है, आप कंफर्म कर लेना। ये पूछ रहा है कि अगर हम फॉन्ट साइज की बात करें, भाई देखो अगर हम फॉन्ट साइज की बात करें तो किसके अंदर आता है तुम्हारा, होम के अंदर आ जाता है तुम्हारा क्या, लंदन से दिल्ली पेज, देख रहे हो भाई। चलो अपने टॉपिक पे आ जाओ, ये भाई यहीं के हैं, लंदन वाले कहां भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे। वैसे तुम चाहो तो ब्रिटिश आर्मी की तैयारी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, हम ब्रिटिश आर्मी की तैयारी कर सकते हैं आप में से कोई भी। ये बात कर रहा था मैक्सिमम फॉन्ट की बात कर रहा था। देखो भाई अगर हम फॉन्ट की बात करें, चल जा काका, ये भी तुम्हारे जैसा हो रहा है, टाइम पे तो आंसर दे ही नहीं रहा, टाइम पे चल ही नहीं रहा। देखो अगर हम स्क्रॉल करके करते हैं, स्क्रॉल मतलब ऐसे तुम्हारा क्या होता है, ऐसे तुम्हारा क्या होता है, एक बार होती है वहां क्या होता है, एक स्क्रॉल का साइन होता है। अगर हमने स्क्रॉल किया तो मैक्सिमम हम कितना जा सकते हैं, अगर हम स्क्रॉल की बात करें, स्क्रॉल करके कितना जाएंगे, अगर हम स्क्रॉल करके जाएंगे तो हम कितना जाएंगे, 72 जाएंगे। कितना भाई, हम जाते हैं 72। और अगर हम बात करें कि भाई हम टाइप कितना कर सकते हैं, तो यहां टाइप कर सकते हैं मैक्सिमम साइज 1638। कितना कर सकते हो भाई तुम, 1638। तो इसका आंसर क्या होगा, ये बताओ मुझे क्या आंसर होगा इसका, इसने मैक्सिमम साइज की बात की है। कितना जा सकते हैं भाई, अरे यहां सुन लो क्या होगा भाई इसका आंसर। भाई देखो मैं तुम्हें बताता हूं देव, इसने यहां ये नहीं लिखा स्क्रॉल, इसने स्क्रॉल की बात नहीं की है। अगर स्क्रॉल की बात करता, स्क्रॉल क्या होता है मैं तुम्हें दिखा देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ मैं तुम्हें दिखाई देता हूं स्क्रॉल क्या है। एक सेकंड बस एक इमेज डाल देता हूं, ये तुम्हारी कहां है, ये लो। अब तुम यहां एक चीज देखो, यहां स्क्रॉल का साइन बन रहा है,
यहाँ स्क्रॉल का साइन बन रहा है ऐसे करके, एक एरो सी बन रही है कैलिब्री बॉडी के ठीक आगे, वहां लिखा है 11। और अगर हम बात करें इसमें कितना जा सकते हैं, भाई इसमें जा सकते हैं हम 72, लेकिन अगर तुम मैन्युअली टाइप कर सकते हो, हाँ अगर तुम मैन्युअली टाइप करोगे, इसे हम मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं, और जब हम मैन्युअली टाइप करेंगे तो हम कितना जाएंगे, 1638 जाएंगे, ध्यान रखना। और यहाँ इसने ये नहीं लिखा कि भाई तुम्हारा मैन्युअली है या तुम्हारा स्क्रॉल करके है, तो वर्डिंग्स थोड़े पकड़ा करो, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज, रिश्तेदारों की लिस्ट को क्या कहेंगे जो मेल मर्ज में होगी, क्या क्या कहेंगे भाई, जो अपने रिश्तेदारों की लिस्ट तुमने बना रखी है जॉब लगते के साथ ही ब्याह करने की लिस्ट, तो क्या कहेंगे भाई, ऐसे कोई किसी के नाम से नहीं चिढ़ाएगा, बैड मैनर्स ऐसे कोई नहीं चिढ़ाएगा भाई रौनक। तो मैंने पूछा है भाई क्या कि तुम्हारा मेलिंग लिस्ट में जो लिस्ट होती है उसे क्या कहते हैं, और आंसर आया है रौनक का डाटा सोर्स। बिल्कुल भाई, जो तुम्हारी लिस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, डाटा सोर्स कहते हैं। तो क्या होगा भाई इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। विनय क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे क्या होगा, बिल्कुल भाई डाटा सोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम बोल दूंगा, अब यहां बताओ, यहां आ जाओ भाई, मैं नेक्स्ट टाइम टोकूंगा, ठीक है। यहां बताओ कि जो तुम्हारा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, अभी मैंने तुम्हें एक इमेज दिखाई थी, वो इमेज मैंने छुपा दी है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सी लैंग्वेज होती है, लो भाई देख लो, लो इमेज देख लो दोबारा, लो कर लो चीटिंग, चीटिंग कर लो भाई, कौन क्या लिखा हुआ है इसमें, टाइम्स रोमन लिखा हुआ है, तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है। लो इमेज थोड़ी नीचे को कर देता हूं, ये लो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें, तुम्हें नहीं दिख रहा, लो थोड़ा सा और जूम कर लो, और लो कर लो और चीटिंग कर लो, लो ये लो अब तो देखो, अब दिखाएगा ये क्या दिख रहा है नीचे, इधर को कैलिबरी बॉडी लिखा है, ऑप्शन में कैलिबरी बॉडी है नहीं, पहले क्या था, पहले था टाइम्स न्यू रोमन 2007 से पहले, उसके बाद आ चुकी है तुम्हारी कैलिबरी बॉडी, और इससे एक क्वेश्चन और बनेगा, तो ध्यान से देख लेना इमेज को, फर्रा मैं हटाने वाला हूं। तो क्या होगा भाई, तुम्हारी कैलिबरी बॉडी होगा, और इससे एक क्वेश्चन और बनने वाला है, तो इमेज देख लो बस ध्यान से, नहीं अब है ये, पहले टाइम्स न्यू रोमन आता था बाय डिफॉल्ट, अब तुम्हारी कैलिबरी बॉडी आती है विद फॉन्ट साइज 11। चलो हटा दो इसे, इमेज को हटा दिया जाए, चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, क्या डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है, बिल्कुल भाई कहते ना किसके लिए, नकल के लिए अकल चाहिए होती है, इसका मतलब तुम सब में अच्छा खासा आईक्यू लेवल है, बिल्कुल भाई बाय डिफॉल्ट क्या है, अब तुम्हारा 11 आने लगा है, पहले 12 आता था और लैंग्वेज थी टाइम्स न्यू रोमन, और अब है कैलिबरी विद कैलिबरी बॉडी, और तुम्हारा फॉन्ट साइज है 11। कितना टाइम हो गया, 5 मिनट बचे हैं। ये कह रहा सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट आउटलाइन एम्बोस एनग्रेव, ये सब क्या है, पूजा थी, बिल्कुल भाई 11 है, शुभम साक्षी विनय देव रौनक और कौन बच गया भाई, ठीक है सभी हो गए। ये कह रहा है कि सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ये कौन से इफेक्ट होते हैं, मैंने बताया था जब मैं भी बातें कर रहा था, बातों बातों में आंसर भी दिया था, तो क्या होंगे भाई ये तुम्हारे, ये क्या होते हैं, ये तुम्हारे टेक्स्ट के इफेक्ट होते हैं, क्या होते हैं भाई, ये तुम्हारे टेक्स्ट के इफेक्ट होते हैं, जो तुम्हारा एम्बोज है, एम्बोज और एनग्रेव ये हैं भाई तुम्हारे क्या, वर्ड आर्ट देव, ये हैं वर्ड आर्ट, और लेकिन अगर हम सारे काउंट करें, सारे क्या है तुम्हारे, ये है तुम्हारे टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है भाई।
ये कह रहा शिमर स्पार्कर ब्लिंकिंग बैकग्राउंड, ये किसे इफेक्ट हैं, ये कौन से स्टाइल्स हैं? अगर हम शिमर की बात करें, स्पार्कल की बात करें, ब्लिकर की बात करें, तो कौन से स्टाइल होंगे भाई तुम्हारे? फॉन्ट होंगे, टेक्स्ट होंगे, फॉन्ट स्टाइल होंगे, या तुम्हारा क्या होगा? भाई तुमने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे करके चलते रहते हैं, तुमने इमेजेस देखा होगा, हिलती रहती हैं यूं करके टेढ़ी मेढ़ी, तो वो किस पे हिल रही होती हैं, वो किसका इफेक्ट होता है, वो कौन सा स्टाइल होता है तुम्हारा? क्या आंसर होगा इसका भाई? वर्ड आर्ट होगा, फॉन्ट स्टाइल होगा, टेक्स्ट इफेक्ट होगा। अलग अलग आंसर रहे हैं। अगर हम बात करें सिमर की, बात करें स्पार्कल की, बात करें ब्लिंकर की, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड होता है, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब भी क्या होंगे तुम्हारे? ये सब भी क्या होंगे भाई? किसी ने सी बताया है क्या? ये सब क्या होंगे भाई तुम्हारे? ये सब भी होते हैं तुम्हारे टेक्स्ट के इफेक्ट। किसके इफेक्ट होते हैं? टेक्स्ट के। किसी ने तुक्के में सो भी सी भी नहीं दिया, तो ये सब इफेक्ट टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल भाई, किसी ने नहीं बताया। ये कहता है व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। तुमने कॉपीराइट लगा दिया कि भाई आज से ये बर्गर हैं किसके, ये एक दुकान खोली और तुमने उसके रात कॉपीराइट लगा दिया किसकी भाई? रुद्ध गुरुकुल लाइव, मतलब हमने चैनल का ही कॉपीराइट लगा दिया भाई, बर्गर बर्गर कहां खोलेंगे। तो ऐसे एक छोटा सी का कॉपीराइट का साइन आता है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज होती है? अच्छी बात है भाई, याद रहता है, तो उसके लिए यूज करते हैं ऑल्ट कंट्रोल और सी, और उससे कौन सा साइन लगा देते हैं भाई? हम कॉपीराइट का साइन लगा देते हैं। कौन सा साइन लगाएंगे भाई? अपना कॉपीराइट का साइन लगाएंगे भाई। क्लास को जल्दी जल्दी से लाइक कर दो जिसने लाइक नहीं किया। ये कह रहा है कि मिनिमम स्पेस कितना होना चाहिए कॉलम के बीच। जिसको नहीं पता वो अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा ले और आंसर मिल जाएगा। जिसे आंसर नहीं पता वो थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस आईक्यू लेवल लगाना और आंसर तुम्हारे सामने होगा। बिल्कुल भाई, अगर हमने दो कॉलम बनाए हैं तो उनके बीच ये कह रहा है मिनिमम कितना स्पेस होना चाहिए। तो अगर हम उसमें जीरो कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो से कम नहीं होगा। तो मिनिमम की बात करी है तो क्या होगा? जीरो। और तुम सभी का आंसर सही है। चलें अगले क्वेश्चन पे। विच की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। कौन सी की इस्तेमाल करेंगे तुम ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए? रौनक, नहीं हाँ भाई देव, तुम्हारा ही था सिर्फ जीरो। तो कंट्रोल प्लस क्या दबाएंगे हम ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए? ए दबाएंगे। ए किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था। लो भाई, तुम्हारे आज के क्वेश्चन खत्म हो गए और टाइम भी क्या हो गया? 8:30, 8:30। और हमारा क्या खत्म? हमारे खत्म हो गए कंप्यूटर के क्वेश्चन। भाई सेशन कैसे लगा? अगर पसंद आए तो क्या करना? शेयर कर देना, और ना पसंद आए तो अनलाइक कर देना। ठीक है, और ये आमिर सिद्दीकी वगैरह छोड़ दो, दो चार महीने की बात है, दो महीने की भी पूरी बात नहीं है। अपना थोड़ा पेपर पे फोकस करो भाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भाई, तो मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास तुम्हारी करंट अफेयर की है, करंट अफेयर की क्लास ले लेना। और सोना नहीं है रात 2 बजे से पहले। कितना टाइम हुआ है तुम्हारा? बच गए हैं 8:30, 9:30, 4-5 घंटे रात में बिल्कुल जरूर पढ़ लेना भाई। कल का मैं तुम्हें कंफर्म करा दूंगा। ठीक है सर, कोई ऑडियो है जीएस के लिए? भाई ऑडियो क्या होता है? अच्छा, ऑडियो चाहिए तुम्हें? खाली ऑडियो फाइल? ठीक
ठीक है भाई, क्लास का सेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट कर दो। गुड बाय, टेक केयर। अब अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं। तुम्हारी आपस में बातें खत्म हो गई हो तो बाय बाय गुड बाय ले लो। थोड़ी बहुत शर्म कर लिया करो, गुड बाय कह रहा हूं। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। अपनी क्लास ले लो और थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस पे थोड़ा फोकस कर लो, मान जाओ, समझ लो, लास्ट लास्ट कह रहा हूँ। इसके बाद पता नहीं कितने साल लग जाए, हो सकता है तुम में से ओवर एज हो जाओ तुम। बात समझो, थोड़ा थोड़ा सा सीरियस लो इसे। ठीक है भाई, राम राम। बातें कर लेंगे जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तो सबकी चौकी में आ जाऊंगा बात करने। फिलहाल फोकस करो अपने एग्जाम पे। टेस्ट में 70 नंबर आए हैं भाई, कोई बात नहीं, इस चीज को लेके डीमोटिवेट मत होना कि तुम्हारे 71 आए हैं। देखो क्यों मना करते हैं, क्यों मना करते हैं, रुद्र सर ने क्यों मना किया कि तुम टेस्ट सीरीज मत लगाना? रुद्र सर ने क्यों मना किया था टेस्ट सीरीज लगाने के लिए? इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तुम्हारे नंबर ज्यादा आएंगे तो एक तुम्हारा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि भाई हाँ मैं एक सही लेवल पे हूं। नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, तुम्हारे नंबर पेपर तुम आसान सा कर रहे हो, तुम्हारे नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो ये हो सकता है तुम क्या हो, तुम्हें लगे कि मेरी प्रिपरेशन तो सही है, ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है। या तुम्हें लगे कि मेरी प्रिपरेशन तो कहीं है ही नहीं, अरे तुम्हारे जैसे बालक ही बैठे हैं वहां, कोई धुरंधर थोड़े ना आएगा पेपर देने, तुम्हारे जैसे ही है, सिर्फ तुम्हारे जैसे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो। तो इसकी नेगेटिव इंपैक्ट मत डालो अपने पे, जो क्वेश्चन आए करो, बस स्पीड बनेगी तुम्हारी। प्रैक्टिस पेपर हमें याद करने के लिए नहीं करना, प्रैक्टिस बनाने के लिए लेना है, तो ड्रॉन इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई। तो अपना इसका नेगेटिव इंपैक्ट मत डालो, बस सोचो कि तुम्हारी स्पीड कितनी थी, मैंने कितने क्वेश्चन कितने टाइम में कर लिए, ये मत सोचो कितने गलत किए कितने सही किए। हाँ पर जहां गलती कर रहे हो उसे रिवाइज करो। गलती कहां करोगे तुम जाके, गलती है तो रीजनिंग और तुम किसमें, मैथ में ही गलती करोगे। जीएस में तो तुम गलती करोगे नहीं कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत फॉर्मूला लगा दिया। तो अपना क्या है, दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखो। ठीक है, कोई नहीं भाई, धीरे धीरे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं, 8:30 से ज्यादा का टाइम हो गया, तुमसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को।